सऊदी अरब में ऑयल प्लांट पर अटैक के बाद से पूरी दुनिया टेंशन में है। तेल सप्लाई का क्या होगा? कच्चे तेल की कीमतें कहां तक पहुंचेंगी? 16 सितंबर 2019 ऐसी तारीख थी जब एक ही दिन में तेल की कीमत में 19% उछाल आया। खाड़ी युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब एक दिन में इतना बड़ा उछाल तेल की कीमत में देखा गया। अब सवाल यह है कि भारत के लिए ये हालात कितनी बड़ी चिंता की बात है। दुनिया में भारत की तस्वीर 2014 के बाद बदली है, तो क्या ऐसी परिस्थितियों का सामना करने की भारत की ताकत भी बढ़ी है? क्योंकि खाड़ी युद्ध के दौरान तो भारत के पास सिर्फ 3 दिनों का ऑयल रिजर्व हुआ करता था, मगर आज ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में रिफाइनरीज के पास आज आमतौर पर 60 दिनों का स्टॉक रहता है। इसके अलावा अब भारत के पास विशाल भूमिगत तेल भंडारण की क्षमता भी है। मौजूदा वक्त में देश में 3 भूमिगत पेट्रोलियम रिजर्व हैं, जिनमें देश की 10 दिनों की जरूरत के बराबर क्रूड ऑयल स्टोर होता है, लगभग 53.3 लाख टन। इसके अलावा मोदी सरकार ने बीते साल जून में 2 नए पेट्रोलियम रिजर्व बनाने को मंजूरी दी है, जो ओडिशा के चांदीखोल और कर्नाटक के पडूर में बनेंगे। इनके बनने के बाद देश के पास 12 अतिरिक्त दिनों का रिजर्व बढ़ जाएगा। मतलब ये काम पूरा हो जाने के बाद भारत के पास आपातकाल की स्थिति के लिए 82 दिनों का स्टोरेज मौजूद होगा। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी बैकबोन है उसकी आर्थिक स्थिति। मौजूदा वक्त में देश के पास $430 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है, जिसकी वजह से भारत ऐसी परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सकता है। उधर मोदी और पुतिन की दोस्ती का भी नतीजा है कि रूस ने तेल संकट से जुड़ी भारत की किसी भी समस्या में मदद करने का भरोसा दिया है।